संतुष्ट हो, चलो आगा लगाओ। ये सारी गलतियां करो, फलाकिया करो। पहले सुमार फिर आगा। पर्चे नहीं मिल रहा है जिसके संबंध में रिपोर्ट नहीं आ रही थी। पर्चे कहाँ हैं? कौन से पुलिस में? ये बाबा ने क्या? ये बंदा 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 है जो बाबा के बंदा के पति में है। बना ली थी वो इधर भी है ये सही था वो आवाज़ बुरी हो रही है ये बताया तो तुम्हारे साथ जून ज्यादा करें कब के दी देखिए एक अभिनव प्रयोग है जौनपुर पुलिस का कि जो हमारे यहाँ से बच्चे 4 साल 5 साल से गायब हैं जो नहीं मिल रहे हैं माइनर बच्चे हैं या लड़कियां हैं जो घरों से गायब हैं और जिनके बारे में अब लगभग सूत्र ऐसे हो गए हैं कि अब उन पर पुलिस बहुत संवेदनशील नहीं रह गई है। तो एक तो ये कि पुलिस के जो विवेचक हैं इन केसेस के उनमें संवेदनशीलता लाने तथा कुछ यदि नए एविडेंस इनको मिले हैं या माँ बाप को कुछ यदि नई बात पता चली जिसके आधार पर हम उनकी बरामदगी कर सकते हैं तो दोबारा से उन केसेस को एक एक करके समीक्षा की जा रही है। यदि इसमें कोई नया इनपुट आया है तो हम अपने विवेचक के माध्यम से और ठोस प्रयास करके और गहराई से उसमें प्रयास करके ऐसा करें कि जिससे वो जो बच्चे गायब हैं पहले से उनकी हम बरामदगी कर सकें और सकुशल अपने घर को वापस लौट सकें। इसमें कुल 60 केसेस के परिवारों को बुलाया गया है जिनके माता पिता जी आए हुए हैं और एक एक केस की समीक्षा की जा रही है। यदि उसमें हमें कुछ भी इनपुट मिल जाता है कोई मोबाइल नंबर कोई इस तरह की चीज़ें कोई और लिंक मिल जाता है कि कोई उस लड़के से बात करता था तो उसके माध्यम से हम इनके बरामदगी के लिए और ठोस गहराई से प्रयास करना चाहेंगे। यही कि SP साहब मेरे को लेटर भेजे थे यहाँ पे वही सब सुनवाई करने के लिए तो इसीलिए मैं आया था। क्या समस्या क्या है आपकी? कौन गई है? मेरी बहन गई है। कहाँ से चली गई? ग्राम बोलसर कला थाना चंदक पोस्ट पोखरा जिला जौनपुर। स्कूल गई थी पढ़ने के लिए वो डॉक्टर राम गुरु सिंह इंटर कॉलेज है पोखरा में वहीं पे पढ़ने गई थी उधर ही से गायब हो गई। शाम को मैं गया था काम करने गया था काम पर से आया काम फिर उसके बाद शाम को पता चला कि नहीं वो आई ही नहीं फिर खोजा वोजा नहीं मिली। उसके दूसरे दिन मैं गया थाने पे केस दर्ज करने के लिए केस भी दर्ज नहीं हुआ हमारा। क्या कहा पुलिस ने? पुलिस मेरे को भगा दी बाहर से बोल दी तुम्हारे पास गवाह है कोई है अभी सरकार में बताओ क्या होगा। गरीबों को कोई सुनवाई नहीं है।